हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे सबको। और अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो है गर्म पानी। तो फ्रेंड्स, आज बस गर्म पानी पिया और उसके बाद फ्रेश होके मैं अपना कुकर में ना चने उबालने के लिए रख के आई थी कि जब तक छोले उबलेंगे तब तक मैं सिप सिप करके गर्म पानी पी लूँगी। और मैं अब ना नीचे ही बैठ के पानी पी रही हूँ, बेड पे नहीं बैठ के पी रही। तो गर्म पानी सुबह जो पीते हैं ना तब मतलब गला अच्छा हो जाता है। तो मुझे गर्म पानी पीना ज़्यादा नॉर्मल ही पीती हूँ, ज़्यादा तेज़ तो नहीं पीती हूँ। तो मेरी तरह आप सब भी पीते होंगे गर्म पानी। और फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ छोले पूड़ी और छोले उबल रहे हैं। सिम गैस कर गई थी लेकिन अभी ना छोले अच्छे से उबल गए हैं, वो छौंकने रह गए हैं बच्चों को, तो वो सूखे वाले ले जाते हैं। पहले तो बस नमक डाल के ही दे देती थी लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो नमक डाल के नहीं, छौंक देती हूँ। तो अभी जब तक पूड़ी सीखेंगी तब तक एक आध सीटी और आ जाएगी, तब मैं छोलों को छौंक दूँगी। और आज ना फ्रेंड्स बहुत ही मतलब दिमाग सा ख़राब किया। मतलब मैंने ना ऑनलाइन कुछ मंगाया था, आपको दिखाऊंगी ज़रूर, आप बने रहिए व्लॉग में ज़रूर। तो मुझे ना उसे रिटर्न करना पड़ेगा और इतना मन था उसे बनाने की, जो मतलब मैंने जो ज़रूरत की चीज़ थी ना वो चीज़ नहीं निकली, बाकी सब चीज़ें निकल गई। तो यहाँ पे बस कपड़े धुल रहे हैं और मैं आपको बता रही थी ना कि जो मुझे मैंने ऑनलाइन मंगाई है चीज़ वो जो ज़रूरत की चीज़ थी वो नहीं निकली, तो मैं उसको ना फिर रिटर्न के लिए दूंगी और दोबारा से ऑर्डर करूँगी। तो बस मशीन लग रही है और यहाँ पे बस बच्चे चले गए हैं। और यहाँ पे जो ये कम्बल है ना ये मैं इनकी तय करूँगी, क्योंकि एसी जब चलता है ना तो रात को बस यही ओढ़ा जाता है, और वो भी मतलब सारी रात एसी नहीं चलता। जब हल्का सा गर्म हो जा सॉरी हल्का सा ठंडा हो जाता है ना कमरा तो फिर मैं बंद कर देते हैं, सारी रात एसी नहीं चलता है, क्योंकि आपको पता ही है एक तो बिल है और दूसरा ठंडा हो जाता है कमरा तो फिर नहीं चलाती मैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना। तो ये है आज फ्राइडे का व्लॉग, तो बस आज फ्राइडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऑनलाइन क्या मंगाया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे ना बच्चों को छोले तो मैंने बना दिए थे थोड़े सूखे से, फिर मैं सोच रही थी आज छोले मुझसे ज़्यादा भीग गए हैं, रात को जब मैं भिगो के रखे थे ना तो रात को ज़्यादा से भीग गए थे। तो मैं सोच रही थी कि अब इनका क्या करूँ, मतलब इतनी ज़्यादा सब्ज़ी तो कोई खाएगा भी नहीं, और चावल होते हैं ना तो चावल से तो जल्दी छोले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन चावल मेरे ख़त्म हो रहे थे तो फिर मैंने चावल नहीं बनाए हैं ना। और अभी सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने सोचा चलो चने की चाट बना दी छोले वाली। तो यहाँ पर बस मैंने ना टमाटर प्याज हरी मिर्च और काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो, अदरक का पाउडर, नींबू, चाट मसाला, ये सब छिड़क के ना इनको चाय के साथ दियाऊंगी, एक अच्छा नाश्ता हो जाएगा। फिर ये दोपहर में लंच कर लेंगे और दोपहर में ना छोले ही हो जाएंगे सबको, क्योंकि बहुत सारे छोले भीग गए थे मुझसे, मतलब जैसे मैं डाल रही थी ना तो एक साथ पानी में ज़्यादा पड़ गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी चाट लग रही है, और ये भी मतलब इसमें ना हरी मिर्च तो है, लाल मिर्च थोड़ी कम डालती हूँ, और मम्मी जी भी यही खा लेंगी और मैं भी यही खा लूँगी। तो हमारा ये नाश्ता है अभी, और ये जो चाट है ना उसको चम्मच से चलाने से बढ़िया ऐसे मतलब ऊपर नीचे करके ना करने में बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चाट वाले बनाते हैं। तो ये हो गई है हमारी चाट तैयार, अब मैं इनको देने के लिए जाऊँगी। तो ये देखिए चाट है छोले वाली और एक कप चाय। तो ये हो गया मॉर्निंग का नाश्ता। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए नाश्ता हमारे साथ। और मम्मी जी अभी नहाने गई हैं तो वो तो नहा के खाएंगी, और ये अभी ब्रश करके ही खा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना यम्मी लग रहा है आज का नाश्ता। इस तरीके से कुछ हैवी नाश्ता हो जाता है ना मॉर्निंग में, तो फिर दोपहर में आराम से फिर मैं लंच बनाती हूँ, और आज तो मुझे लंच भी मतलब छोले ही रखने हैं। और ये देखिए ऑनलाइन ऑर्डर करा था वो मेरा ऑर्डर पार्सल आ गया है, तो अभी ये भैया दे के गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। मतलब पार्सल लेके ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैंने खोला और एक एक इसका जो सामान है वो देखा फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा जो मुझे चाहिए था जिसके लिए मैंने ऑर्डर कराया वो चीज़ तो निकली ही नहीं बिल्कुल भी, और मैं इतनी खुश थी मतलब खुशी खुशी में ना जल्दी जल्दी फाड़ के देख रही थी कि इसमें क्या है, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इसमें क्या है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ।
ये हम हाउस वाइफ के लिए ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो हाउस वाइफ को मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम नहीं मिलता या फिर घर में बिजी रहती हैं, घर में अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं करती हैं और सारे दिन काम में ही लगी रहती हैं, अपने लिए दो मिनट भी नहीं निकालती। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी। तो इसके साथ एक एक्यूप्रेशर की व्हील थे, ये रबड़ थी और बेल्ट थी, तो ये सब सामान था। लेकिन जो एक रोलर था ना, जो पैरों में लगा के आप कमर और पेट में कमर में दर्द हो रहता है और पेट को कम करने वाला, वो नहीं मुझे इसमें दिखा। तो मुझे यही लगा कि ये तो मुझे जो मैंने मंगवाया था, मैं लगा के देख रही थी बेल्ट को, तो बेल्ट तो मुझे सही थी, बेल्ट की मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ना जब मेरा सीजन हुआ था तो वो वाली बेल्ट मेरे पास अभी तक रखी है, और एक कमर की जो बेल्ट होती है ना इनके पास भी रखी है, तो मुझे कमर की बेल्ट तो नहीं चाहिए थी। ये जो व्हील है एक्यूप्रेशर का, ये फिर भी ठीक है, और ये जो रबड़ है ना, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और देख के ना मूड इतना ऑफ हो गया। मैं सारे में देख रही थी, मैंने कहा वो जो है मेरा मेन प्रोडक्ट वो तो है ही नहीं इसके अंदर, और बड़ा ही मतलब गुस्सा सा आ रहा था। तो ये देखिए, ये एक्यूप्रेशर का व्हील है। अभी जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो किसी चीज़ को मतलब हाथों से पकड़ लेते हैं और इसका जो बैलेंस बनाना पड़ता है, जब बैलेंस बन जाता है ना, तो फिर बिना हाथ छोड़े मतलब हाथ छोड़ के आप इसको अच्छे से घुमा सकते हैं दाएं बाएं। तो मैंने उसको रिटर्न के लिए डाल दिया था, ऑनलाइन ऑर्डर जो किया था। अभी दोबारा जब आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी बस शाम का टाइम है और शाम को मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि सुबह ना छोले खाए, दोपहर छोले खाए, तो अभी मतलब सबका मन नहीं कर रहा था कि कुछ सब्ज़ी बनाई जाए, और गर्मी इतनी हो रही है ना, तो फिर मतलब गर्मी में थोड़ा सा हल्का ही सही रहता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी हो रही है, और खिचड़ी ना मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से छौंकती हूँ, ऐसे नहीं है कि मतलब मरीजों वाली हींग जीरे से छौंके, मैं तो बस टमाटर, हरी मिर्च और मटर भी डाल देती हूँ, आज मटर तो नहीं है, आलू डाले हैं, और हींग तो खूब अच्छी डलती है इसमें, और मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी भी हमारे यहाँ ना मतलब खिचड़ी जो है मतलब पतली ही बनती है, ज़्यादा गाढ़ी सी नहीं बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने अभी दो गिलास पानी डाला है, और अभी आधे गिलास पानी और डालूंगी, फिर मैं कुकर बंद करके इसको रख दूंगी। तो फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मतलब आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते बड़े मन से, फिर आपका प्रोडक्ट वो अच्छा वाला नहीं निकलता जो आप चाहते हो, तो आपके साथ भी हुआ होगा, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। तो यहाँ पर मम्मी जी कर रही शाम की जो अपनी तैयारी, तो वो लेकर आई हैं, और अभी मैं मटके में से पानी ले रही हूँ एक गिलास, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पानी जितना पिया जा सकता है उतना पीजिएगा। और मटका थोड़ा सा खाली भी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ साथ के साथ भर दूँ, और रात रात में नहीं ठंडा हो जाएगा पानी, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी तैयार हो गई है, इसमें डाला है थोड़ा सा घी, ये है भव्या की प्लेट, मम्मी जी को मैं दे आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम कर लेते हैं डिनर, और आप भी आ जाइए खा लीजिए डिनर। तो अभी फ्रेंड्स थोड़ी देर ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में ना ये देखिए धूप भी निकल रही है, मतलब कम से कम 8 बज गए होंगे जब बच्चे स्कूल चले गए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे धूप भी है, बारिश भी हो रही है, ऐसा ही मौसम हो रहा है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लेकिन आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।